तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं इसके रिगार्डिंग है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रिगार्डिंग है तो इन रिएक्शंस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट हमारी गलत है मतलब सही नहीं है उसको हमें चूज करना है ओके okay? तो अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखें तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं नाइट्रीफिकेशन की प्रोसेस के लिए अब नाइट्रिफिकेशन हमारी टू स्टेप प्रोसेस है दो स्टेप होंगे सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होगा जो अमोनिया होगा सॉरी ये यह पे क्या होगा अमोनिया है एन एच थ्री तो जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे हमारा क्या बनता है नाइट्रेट नाइट्राइट आयन मिलेंगे और नाइट्राइट हमारा दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है और उससे हमें क्या मिलते हैं नाइट्रेट आयन मिलते हैं तो ये हमारा जो स्टेप दिया गया है ये नाइट्रिफिकेशन के स्टेप दिए गए हैं अब फास्ट रिएक्शन देखें यहाँ पे अमोनिया से जब हमारे क्या बनेंगे नाइट्राइट आयन बनता है तो इस स्टेप के लिए जो हमारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे नाइट्रोसोमोनास ओके okay. और नाइट्रोकोकस ये हमारे फर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अब यहाँ पे सेकेंड जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट आयन के अंदर कन्वर्ट होंगे अब यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हो जाएंगे नाइट्रोबैक्टर। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाएंगे एंड दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोटोट्रोप्स तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन स्टेप वन इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस इज ट्रू सही स्टेटमेंट है स्टेप सेकंड इज आउट बाय अगेन सही स्टेटमेंट है दोनों स्टेप नाइट्रिफिकेशन कहलाएंगे बिल्कुल सही है बोथ स्टेप्स आर अकर ओनली इन फोटो ओटोट्रोप्स तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमारे कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं ना कि फोटो ओटोट्रोप्स फोटो मतलब लाइट तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और सही ऑप्शन है क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर